नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरें। पहली खबर टकराव से जुड़ी है और ये टकराव दो सुपरस्टारों के बीच हो रही है, क्योंकि इसमें नाम शामिल हो गया है खेसारी लाल यादव का। अभी तक निरहुआ अपनी होली पर फिल्म रिलीज करने वाले थे, लेकिन खेसारी लाल की कूली नंबर वन भी होली पर ही रिलीज होगी और ये जिद है फिल्म के डायरेक्टर की कि हम होली पर ही इस फिल्म को रिलीज करेंगे। अगली खबर आम्रपाली दुबे से जुड़ी हुई है। आम्रपाली दुबे को पसंद आया है शेरे हिंदुस्तान का वो गाना जिसमें नीता के साथ निरहुआ रोमांस फरमाते नजर आएंगे, प्रेम का प्याला। ये गाना रिलीज हुआ है बीते दिन पहले ऑडियो सॉन्ग के रूप में, जिसे दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया। अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कूली नंबर वन फिल्म के लुक से जुड़ी है, जिससे हल्की फुल्की कहानी का अंदाजा भी लग गया है। इसके अलावा रितेश आम्रपाली ने सैया थानेदार फिल्म का एक गाना शूट किया है। इस गाने को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना बताया जा रहा है। गाने में क्या कुछ खास है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी उम्मीदें अभी से लगने लगी हैं कि रातें दिया बुताके में जिस तरह पवन आम्रपाली की जोड़ी ने रिकॉर्ड कायम किया, उसी तरह सैया थानेदार का ये गाना रितेश आम्रपाली की जोड़ी के रूप में रिकॉर्ड स्थापित करेगा। बहरहाल ये उम्मीदें सच है या नहीं ये भी गाना रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं, जो जुड़ी है जुगली जोड़ी निरहुआ आम्रपाली से। दोनों के प्यार के किस्से आप बार बार सुनते रहे होंगे, लेकिन दोनों के बीच प्यार अब फिर से देखने को मिला है निरहुआ की नई फिल्म के सेट पर, जिसमें आम्रपाली दुबे नहीं है, नई हीरोइन है निरहुआ के साथ। इस फिल्म में कोई रोल नहीं है आम्रपाली का, उसके बावजूद वो सेट पर निरहुआ के साथ पूरा टाइम रहती हैं। तो अभी तक जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं उस विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। भोजपुरी सिनेमा की लकी अदाकारा और यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे बेशक से निरहुआ के साथ अपनी फिल्म केमिस्ट्री को लेकर चर्चाएं बटोरती हो, लेकिन ये बात हर कोई जानना चाहता है कि 32 की उम्र के बाद आम्रपाली कब शादी करेंगी और किससे करेंगी। आम्रपाली को भोजपुरी इंडस्ट्री में कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके अफेयर की खबरें उनके रील पार्टनर निरहुआ से ही चलती रही हैं। ऑफिशियली दोनों ने अपना कभी रिश्ता स्वीकारा नहीं, लेकिन आम्रपाली ने सोशल मीडिया के जरिए कई बार साफ किया है कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ निरहुआ बसते हैं। एक बार फिर से अपना यही प्यार निरहुआ के लिए आम्रपाली ने एक गाने के जरिए साझा किया। दरअसल दो दिन पहले ही निरहुआ की अपकमिंग फिल्म शेर हिंदुस्तान का एक रोमांटिक गाना रिलीज हुआ था, जिसके बोल थे प्रेम प्याला भर जाए द। इस गाने को गाकर लाइव आकर आम्रपाली ने बताया आई एम इन लव। हालांकि ये प्यार किससे हुआ आम्रपाली ने ये नहीं बताया, लेकिन इस गाने को अपना फेवरेट बताते हुए वो इस गाने में कहीं खोती हुई नजर आई। वेल, जब से ये गाना सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ है तब से ये गाना लोगों की जुबा पर चढ़ चुका है। इस गाने को पहली बार भोजपुरी में गाने वाले सिंगर अविक दोगन चैटर्जी ने गाया है, उनके साथ प्रियंका सिंह ने भी आवाज दी है। दोनों की आवाज बेहद खूबसूरत लग रही है। इस गाने को सिर्फ 3 दिन में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने सुन लिया है और जिसने भी इस गाने को सुना है सभी ने तारीफ की है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी दर्शकों और सीने प्रेमियों के लिए इस साल की होली कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस बार रंगों और पकवानों के साथ साथ लगने वाला है भोजपुरी के बड़े सितारों का महामुकाबला। रंगों के साथ नहीं बल्कि 3 बड़ी फिल्मों के साथ। दरअसल आप लोग तो जानते ही होंगे कि निरहुआ की फिल्म शेरे हिंदुस्तान होली के मौके पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर हो चुका है रिलीज और लोगों ने काफी पसंद भी किया है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यह फिल्म काफी ज्यादा चर्चाओं में हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं निरहुआ के अलावा इसी दिन होने वाली है एक और बड़े स्टार की फिल्म रिलीज, और वो बड़ा स्टार कोई और नहीं बल्कि निरहुआ के छोटे भाई समान और आप लोगों के चहेते खेसारी लाल हैं। जी हाँ, खेसारी लाल की भी फिल्म कूली नंबर वन के रिलीजिंग डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिल्म मेकर्स ने घोषणा कर दी है कि कूली नंबर वन को वो होली के मौके पर रिलीज करने जा रहे हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जल्द ही इसका ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर जारी किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया भी इसे मौके पर रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। जाते जाते बता दें कि शेर हिंदुस्तान में आप लोगों को निरहुआ के साथ जहां नीता धुंगुना की जोड़ी देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी के साथ फिल्म कूली नंबर वन में काजल राघवानी और पूजा गांगुली नजर आने वाले हैं। पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया में काजल पवन साथ में नजर आएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल के फैंस की तरफ से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि खेसारी की कोई फिल्म रिलीज क्यों नहीं हो रही है। लेकिन एक बार फिर से खेसारी के चाहने वालों के चेहरे खुल उठे हैं जब से उन्हें ये सुनने को मिला है कि खेसारी की फिल्म कूली नंबर वन होली के मौके पर रिलीज होगी। जी हाँ, दरअसल खेसारी लाल की फिल्म कूली नंबर वन का पोस्ट प्रोडक्शन हाल ही में पूरा हुआ है और पूरा होते ही इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट भी कर दिया गया। इस फिल्म के फर्स्ट लुक में खेसारी एक्शन करते नजर आए हैं, तो वहीं खेसारी के पीछे काजल छिप कर खड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ गांगुली पूजा गांगुली मुस्कुराते हुए नजर आई। फिल्म के पोस्टर में लीड एक्टर्स के साथ साथ सारे कलाकारों का चेहरा देखने को मिला। इस बार खेसारी की फिल्म में अवधेश मिश्रा नहीं है, बल्कि अवधेश मिश्रा की जगह ली है विलन के रूप में संजय पांडे ने। पोस्टर को देख कर लग रहा है जैसे खेसारी और काजल की प्रेम कहानी के कई सारे दुश्मन इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि पूजा गांगुली भी काजल और खेसारी के प्यार के दुश्मन बन सकती हैं। वेल, पोस्टर पर ये साफ लिखा है कि दिस होली ये फिल्म मचाने वाली है बहुत सारा धमाल, यानी होली पर कूली नंबर वन इस बार हर जगह छाने वाली है। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि दर्शकों की पसंद वाली प्रेम कहानी दिखाते हुए खेसारी दर्शकों को इस फिल्म से क्या संदेश देने वाले हैं, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के समय ही खेसारी लाल ने कहा था कि वो अब से सिर्फ वही फिल्में करेंगे जिससे दर्शकों को कुछ मैसेज मिले, और लगातार अपनी कुछ फिल्में वो ऐसी ही साइन कर रहे हैं जिसमें कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के लिए अक्सर आपने सुना होगा सबको बोलते हुए कि वो इंडस्ट्री के लिए, पवन सिंह के लिए, निरहुआ के लिए बहुत लकी हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आम्रपाली कई सालों से निरहुआ के साथ काम कर रही हैं और निरहुआ की सारी फिल्में हिट होती रहीं। पवन सिंह के साथ आम्रपाली ने जो भी फिल्मों में प्रमोशनल सॉन्ग किए वो हिट रहे। एक गाने ने तो रिकॉर्ड भी बना लिया है, उस गाने के बोल थे रातें दिया बुता के। लगातार सोशल मीडिया पर हिट होने के बाद आम्रपाली को फिल्म मेकर्स ने बाकी की में प्रमोशनल सॉन्ग का भी ऑफर दिया, लेकिन प्रमोशनल सॉन्ग करते करते आम्रपाली दुबे पिछले कुछ महीनों से लीड रोल के तौर पर अलग अलग सितारों के साथ भी काम कर चुकी हैं। जैसे पवन सिंह के साथ उन्होंने एक लीड रोल में पहली बार फिल्म की शेर सिंह, तो वहीं रितेश पांडे के साथ हाल ही में उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है जिसका नाम है सैया थानेदार। कुछ सप्ताह पहले ही रितेश आम्रपाली ने इस फिल्म के लिए एक गाना शूट किया है जिसकी तस्वीरें अब आने लगी हैं बाहर, और खबर ये भी फैलने लगी है कि आम्रपाली और रितेश का गाना नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, क्योंकि इस गाने को ना सिर्फ धमाकेदार अंदाज से रितेश पांडे ने गाया है बल्कि आम्रपाली के साथ जबरदस्त ठुमके लगाते भी नजर आए हैं। इस गाने को शूट करने में अच्छा खासा खर्च किया गया है और कहा जा रहा है कि रातें दिया बुता के बाद ये गाना एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है जिसमें आम्रपाली और रितेश पहली बार साथ नजर आएंगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से पैच। फिलहाल तो देखना दिलचस्प होगा कि सैया थानेदार फिल्म का ये गाना रिलीज कब होता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के लिए अक्सर आपने सुना होगा सबको बोलते हुए कि वो इंडस्ट्री के लिए, पवन सिंह के लिए, निरहुआ के लिए बहुत लकी हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आम्रपाली कई सालों से निरहुआ के साथ काम कर रही हैं और निरहुआ की सारी फिल्में हिट होती रहीं। पवन सिंह के साथ आम्रपाली ने जो भी फिल्मों में प्रमोशनल सॉन्ग किए वो हिट रहे। एक गाने ने तो रिकॉर्ड भी बना लिया है, उस गाने के बोल थे रातें दिया बुता के। लगातार सोशल मीडिया पर हिट होने के बाद आम्रपाली को फिल्म मेकर्स ने बाकी की में प्रमोशनल सॉन्ग का भी ऑफर दिया, लेकिन प्रमोशनल सॉन्ग करते करते आम्रपाली दुबे पिछले कुछ महीनों से लीड रोल के तौर पर अलग अलग सितारों के साथ भी काम कर चुकी हैं। जैसे पवन सिंह के साथ उन्होंने एक लीड रोल में पहली बार फिल्म की शेर सिंह, तो वहीं रितेश पांडे के साथ हाल ही में उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है जिसका नाम है सैया थानेदार। कुछ सप्ताह पहले ही रितेश आम्रपाली ने इस फिल्म के लिए एक गाना शूट किया है जिसकी तस्वीरें अब आने लगी हैं बाहर, और खबर ये भी फैलने लगी है कि आम्रपाली और रितेश का गाना नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, क्योंकि इस गाने को ना सिर्फ धमाकेदार अंदाज से रितेश पांडे ने गाया है बल्कि आम्रपाली के साथ जबरदस्त ठुमके लगाते भी नजर आए हैं। इस गाने को शूट करने में अच्छा खासा खर्च किया गया है और कहा जा रहा है कि रातें दिया बुता के बाद ये गाना एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकता है जिसमें आम्रपाली और रितेश पहली बार साथ नजर आएंगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से पैच। फिलहाल तो देखना दिलचस्प होगा कि सैया थानेदार फिल्म का ये गाना रिलीज कब होता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।
तो आज के सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।